गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखना जैसे सी यानी देखना, लुक यानी देखना और वॉच यानी देखना, पर डिफरेंशिएट करते हैं हम। सी यानी किसी चीज़ को हम नोटिस करते हुए देखते हैं, और लुक होता है हम किसी पर नज़र डालते हैं, और वॉच यानी जो होता है वो किसी चीज़ पर नज़र रखना। जैसे हम सीरियल हैं, उसी से बना शब्द है वॉचमैन। स्टेयर होता है जब आप किसी को घूरते हैं, मतलब बहुत ध्यान से टकटकी लगा कर देखते हैं, उसको में हम यूज़ करते हैं स्टेयर। और गुस्से से घूरने के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है ग्लेयर। पर यदि आप किसी चीज़ के सहारे खिड़की से या दरवाजे में से देखते हैं किसी को, तो वहाँ वो उसको जाता है झांकना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पीप, जैसे पीप थ्रू द विंडो। और झलक, किसी के ऊपर एक नज़र डालना, या कैसे मैंने उसकी कार की झलक देखी, तो यहाँ ग्लैंस वर्ड यूज़ किया जाएगा। और किसी चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक अपने दिमाग में देखते देखते अपने ऑब्जर्व करना है, या उसको अपने दिमाग में फिट करना, उसको स्कैन करना बोलते हैं। और इसी तरह किसी चीज़ को यदि आप बहुत ध्यान से देख करके परख रहे हैं, तो उसके लिए हम पीर का यूज़ करते हैं, पीर आर्ट यूज़ करते हैं। और अगर हम उसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहाँ पर हम पीर का यूज़ प्रयोग करते हैं। स्कैन जो होता है वो हम किसी चीज़ को अपने